तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है तो चलिए शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट किसे कहते हैं प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट कोई भी आइटम हो सकता है या कोई भी सर्विस हो सकती है आम भाषा में कहूँ कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस हो ठीक है जो ऑफर की जाती हो कस्टमर की डिज़ायर या उसकी रिक्वायरमेंट को देखकर ठीक है उसी को हम गुड्स एंड सर्विस यानी आइटम एंड सर्विस कहते हैं और इसी प्रोडक्ट पे लगे जाने वाला टैक्स जीएसटी कहलाता है जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं वो क्या होता है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर लगता है तो ये होता है गुड्स अब इम्पोर्टेंट ऑफ गुड्स जान लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या जरूरत है, क्यों आवश्यकता हाँ है हमें प्रोडक्ट की और मतलब प्रोडक्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है तो देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स पहला इसमें पॉइंट है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स बिजनेस कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर बाय फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट एक्सीलेंस है क्या होता है प्रोडक्ट जो होता है वह बिजनेस में कस्टमर को क्या करता है अट्रैक्ट करता है अब जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप बड़े मॉल में जाओगे ठीक है तो एक एक वो अपना प्रोडक्ट ऐसा बना के रखते हैं जिससे क्या है उनके कस्टमर बार बार उनकी शोरूम को या शॉप को विज़िट करें क्यों क्योंकि एक प्रोडक्ट ही ऐसी चीज़ है जिससे हमारे कस्टमर अट्रैक्ट हो सकते हैं ठीक है सेकंड आता है बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी बिजनेसिस कैन बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी बाय फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट एक्सीलेंस इससे क्या होता है ब्रांड बनता है किससे प्रोडक्ट से जैसे कि अब मान लो आप देखोगे हमारे आसपास में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे एडिडास है ठीक है वो क्या करती है अपने जूते के ऊपर आपने सुना होगा कि सारा काम वो आउटसोर्सिंग पे करवाती है जैसे जूते के जो सोल होते हैं वो कोई और बनाता है जूते के जो लेसिस होते हैं वो कोई और बनाता है लास्ट में क्या करती है वो कंपनी अपना स्टैम्प मार देती है यानी अपनी ब्रांड लोगो चिपका देती है ठीक है एडिडास जिससे क्या है एक ब्रांड क्रिएट होगी ठीक है क्या होगी आपके आगे एक रियल एग्जाम्पल है कि बाहर से आउटसोर्सिंग करवा के सारे काम उस पर सिर्फ लोगो लगाने से इतना बड़ा पॉपुलर ब्रांड बन गया एडिडास तो ये क्या है प्रोडक्ट की पावर है थर्ड आता है गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें क्या है हम क्या है इतनी आज के समय जो कॉम्पटिटिव मार्केट है हमारी तो हम कुछ नहीं कर सकते हम अपने प्रोडक्ट के भी पे खेल सकते हैं मार्केट में कैसे अगर हमारे साइड वाला बंदा वही प्रोडक्ट को हाई रेट में बेच रहा है और वही प्रोडक्ट को हम लो रेट में बेचें तो क्या है हम मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा ये था एंड फोर्थ पॉइंट आता है कीपिंग कंपनीज ग्रोइंग यानी अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा ठीक है प्रोडक्ट में हमने पैकेजिंग करी अपनी ब्रांड बना ली प्रोडक्ट से तो क्या है हम ग्रो कर सकते हैं यानी प्रॉफिट्स आ सकते हैं हमें एग्ज़ाम्पल एडिडास का लेता हूँ मैं एडिडास ने अपनी प्रोडक्ट अट्रैक्ट करती है वो अपने कस्टमर को दूसरा उन्होंने अपने प्रोडक्ट से ब्रांड बना दिया एक ठीक है लॉयल्टी बना दी विश्वास फैला दिया लोगों के बीच में कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं ठीक है कॉम्पटेटिव मार्केट में एक अलग ही उसकी मैनु वो है मोनोपली ठीक है और, और कंपनी साथ साथ ग्रो भी कर रही है ग्रो इन द सेंस फाइनेंशियल टर्म्स में भी ठीक है लास्ट पॉइंट आता हमारा सिक्योरिंग ए गुड फर्स्ट इम्प्रेशन ठीक है अब कोई भी आप मान लो मॉल में गए तो वहाँ पे आप देखोगे मॉल में जाके आपको पैकेजिंग अच्छी मिलेगी तो पैकेजिंग पे जब आप जैसे ही देखोगे पैकेजिंग को तो क्या होगा आपको वो चीज़ पसंद आ जाएगी वो पैक ऐसे करते हैं ठीक तो है तो यही है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन नाम सुना होगा आपने ये वर्ड सुना होगा ऐसा ही होता है एक प्रोडक्ट के टर्म में भी ठीक है मैं आपको एक टोटल इनका समरी ये जो पॉइंट्स बताए इनकी समरी में एक वो बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल आज के समय एक नई कंपनी चल रही है टाटा ग्रुप की कंपनी है वो जिसे जूडियो कहते हैं जूडियो कंपनी है वो क्या करती है वो जैसे हमारे वी मार्ट वगैरह है जिसमें कपड़े मिलते हैं ऐसे वो सेल करती है लेकिन उसके जो कस्टमर हैं वे क्या हैं वे मिडल क्लास के व्यक्ति हैं ज़्यादा हाई क्लास के कपड़े वो नहीं बेचती यानी लो रेंज के कपड़े बेचती है और अच्छे डिज़ाइन में ठीक है तो ये कंपनी ने क्या है अपने प्रोडक्ट पे खेला प्रोडक्ट क्या है सस्ता निकाला ठीक है अब जाओगे आप उनके शोरूम में तो आपको लगेगा कि हम बहुत महंगे शोरूम में आए हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हों ठीक है ब्रांड बना दिया यानी अगर आप उनकी टी शर्ट खरीद रहे हो तो पीछे क्या मिलेगा स्टिकर मिलेगा आपको जूडियो का तो ये चीज़ें होती हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें